डिवाइड 451 बाय 5। वाइल डूइंग दिस डिविजन मैनी डू दिस मिस्टेक। वॉट इज द मिस्टेक दैट दे डू? आई विल लेट यू नो, बट बिफोर दैट वी शुड फ्रेम इट इन दिस वे, दैट इज 451 5 हियर। ओके, नेक्स्ट। नाउ हियर वी हैव फोर, फोर स्मॉलर देन फाइव, सो वी टेक टू नंबर्स, दैट इज 45। वेन डू वी गेट 45 इन फाइव टेबल? फाइव नाइन्स 45। नाउ यू सब्ट्रैक्ट 45 माइनस 45 इज 0। नाउ वी ब्रिंग डाउन द बिसाइड नंबर डाउन, दैट इज 1। दिस इज वेयर द मिस्टेक हैपन्स, एंड द मिस्टेक इज दिस। हियर वी हैव वन, हियर फाइव। वन इज स्मॉलर देन फाइव, सो वॉट मैनी डू इज दे पुट अ डॉट एंड टेक जीरो हियर, विच इज रॉन्ग। जस्ट नाउ यू ब्रॉट अ नंबर डाउन एंड इन द सेम स्टेप यू वॉन्ट टू पुट अ डॉट एंड टेक जीरो हियर, विच इज रॉन्ग। आई रिपीट, ब्रिंगिंग द नंबर डाउन एंड पुटिंग अ डॉट एंड टेकिंग जीरो, बोथ एट द सेम स्टेप यू आर नॉट सपोज टू डू। इंस्टेड वॉट यू शुड थिंक ऑफ इज वॉट नंबर शुड वी राइट हियर? इफ वी राइट फाइव हियर दैट इज लार्जर देन वन, सो वॉट वी डू इज वी टेक जीरो हियर, सो फाइव इंटू जीरो जीरो। नाउ यू सब्ट्रैक्ट वन माइनस जीरो वन। Over here we did not bring any number down, and here one is smaller than five, so we put a dot and take zero. Now here 10, when do we get 10 in five table? Five twos 10. Now you subtract 10 minus 10 0, so this is our quotient and this is our remainder. Did you understand where mistake happens? You should not do that mistake. Am I clear?